हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2015 का प्रश्न है। एक आयताकार कार पार्क 100 मीटर लंबा था, 60 मीटर चौड़ा है। इसके चारों 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये देखिए आयताकार पार्क है, इसके चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये हमारे पास हो गया ए बी सी डी पार्क, और रास्ते सहित पार्क हो गया पी क्यू आर एस। तो ये हमारे पास 100 मीटर और ये 60 मीटर है। अगर हम इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर इधर जोड़ देंगे, 2 मीटर इधर जोड़ देंगे, तो बाहरी जो आयत है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4, और 100 104 मीटर। और इधर ये चौड़ाई जोड़ देंगे 2 मीटर इधर 2 मीटर ये, तो 62 + 4 ये 64 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो आयत हुए, एक बाहरी आयत और एक अंदर वाला आयत। तो अगर रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहरी आयत पी क्यू आर एस, जिसका नाम हमने दिया है, का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत, जिसको हमने ए बी सी डी नाम दिया है, का क्षेत्रफल इस तरह से निकालेंगे। तो ये बाहरी क्या है? 104 × 64, और अंदर वाला क्या है? 100 × 60। तो इसको हम गुणा करेंगे और सरल करेंगे। तो 104 को 4 से गुणा करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 416। 416 की 6 आ जाएगी, 841 हो जाएगी, और 6 का गुणा करेंगे तो 624 आ जाएगा। 624 में अगर हम 41 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 6 6 6 6 5, और इसमें से हमें घटाना है कितना? 6000, क्योंकि 100 × 60 6000 हो जाएगा, और 6000 घटा देंगे तो 656 हमारा वर्ग मीटर क्षेत्रफल बचेगा, जो कि इस पट्टी या रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही उत्तर है बी। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।